एवरीवन, सो ये वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट है फॉर द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। हम पिछले चैप्टर में जो भी हमारा प्रीवियस कंटेंट था वो डिस्कस करके आए हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट स्टूडेंट्स। सो इस चैप्टर का जो टाइटल है इसी से आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट स्टूडेंट्स। ये केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कोई भी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, कुछ भी स्टडी करते हो, तो उससे पहले आपको एटम्स क्या हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर एटम्स क्या हैं, उनकी डिस्कवरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम को डिस्कवर किया, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे जिसमें एटम की डिस्कवरी हुई, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के उसकी डिस्कवरी हुई, राइट स्टूडेंट्स। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो पूरी हिस्ट्री है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझा देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना ज़रूरी है कि चार यहाँ पे मैं टर्म्स लिखने वाली हूँ। पहला तो एटम्स है, उसके बाद एलिमेंट्स, राइट, फिर मॉलिक्यूल्स, एंड द लास्ट इज कंपाउंड। क्योंकि ये सारे जो ये चारों टर्म्स हैं ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये चारों टर्म्स, तो इनको इनके डिटेल में स्टडी करने से पहले आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट, और क्या लिखा है मैंने, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। क्योंकि बच्चे बेसिकली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिमेंट्स और एटम के बीच में क्या डिफरेंस है, या कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि ये चारों टर्म्स के मतलब क्या है, और ये चारों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एटम, जो हमारा पूरा चैप्टर ही है। लेटर ऑन हम एटम के ऊपर ही डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में। अब सबसे पहले समझिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट मतलब इसका, इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है, वो एटम है। किसी भी एलिमेंट का हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम कोई भी एक एलिमेंट अगर ले लेते हैं तो उस एलिमेंट का जो सबसे छोटा भाग है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। और उसमें क्या है, एटम में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, विच इज हैविंग अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, मतलब जो ये सेंट्रल पार्ट है दिस इज द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, राइट, विच हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन। और आप सबको पता है कि अभी जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक रफ से एक छोटा सा मीन्स डिस्क्रिप्शन है एटम के बारे में, इसको हम एटम कहते हैं। और इसके सराउंडिंग जो ये शेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये ऑर्बिटल्स होती हैं। अभी इसके बाद में जब हम प्रॉपर ऑर्बिट्स होती हैं, या ऑर्बिटल्स भी कह सकते हो उसको, जब हम अभी इसकी स्टडी करेंगे तो हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको ये बताया कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, वो एटम होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वो उसमें सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द जो ऑर्बिट्स होती हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया एटम। अब हमको समझना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हेन बिफोर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स आप पहले इधर आ जाइए मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स को समझिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी एटम क्लियर है सबको कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए समझ लीजिए कि ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक हमारे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एक हमारे होते हैं जिसको अगर मैं जस्ट अ सेकंड, एक हमारे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट,
और दूसरे जो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नाउ अब समझिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि दोनों टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या है, जब सेम काइंड ऑफ एटम, राइट, अभी हमने डिस्कस किया कि एटम्स क्या हैं। एटम्स एक्चुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। अब क्या हो रहा है, जैसे मानिए एक हाइड्रोजन एटम, हमने एक एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब वो एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है। एलिमेंट क्या है, एटम की सबसे छोटी यूनिट है, राइट, एम आई क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे एटम आपस में ज्वाइन करते हैं। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जब सेम काइंड ऑफ एटम, मतलब मानिए यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम जब मिलेंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मतलब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या है जिसमें बहुत सारे एक तरह के एटम प्रेजेंट है, राइट। जो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे एलिमेंट में, तो हाइड्रोजन क्या है, उसमें बहुत सारे एक ही तरह के क्या प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जिसकी पहली टाइप है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। उसके बाद अब मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा कि हाइड्रोजन सेम काइंड के हाइड्रोजन, मतलब दो एटम आ जाएंगे हाइड्रोजन के, वो आपस में मींस ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, और वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, और उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये क्या फॉर्म करेगा, H2 फॉर्म कर देगा, तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये हो गए हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब समझिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, मतलब एक एटम सोडियम का आ जाए और एक एटम किसका आ जाए, किसी और का आ जाए, मानिए क्लोरीन का आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, नाउ प्लीज, अब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने पहले कहा जब सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए आगे बहुत यूजफुल होने वाला है। जब सेम काइंड ऑफ एटम एक दूसरे से मिलते हैं, अब सेम काइंड ऑफ एटम क्या होंगे, मानिए मैंने एक क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया, ठीक है, और एक और मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, ये क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अब हम एटम डिस्कस कर चुके हैं ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट में, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो एटम जो कि सेम काइंड के हैं, सेम काइंड मतलब क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये दोनों जब मिलेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये दोनों मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये क्या बना लेंगे, मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या बना रहे हैं उन्हें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अभी आगे एलिमेंट भी अच्छे से समझेंगे डिटेल में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है। मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, राइट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, जब सेम काइंड ऑफ एटम आपस में मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, राइट। अब हम दूसरा देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है, राइट, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए अब हमने सेम काइंड की बात कर ली, अब हम डिफरेंट काइंड की बात कर रहे हैं। जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल एक मैंने एटम ले लिया सोडियम का,
तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, राइट? और तो उसका 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1, यानी कि इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर की शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सबसे आउटर मोस्ट जो है इसमें क्या है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एक एटम हमने ले लिया, किसका? सोडियम का ले लिया। दूसरा एटम हम ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे निकाला जाता है, क्या रूल है, ये भी समझा दूंगी। तो इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहर वाले में 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इससे जो बाहर वाली है आउटर मोस्ट, उसमें कितने हो जाएंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको पता है कि यहाँ पे कितने हैं? 7 है ना, और इधर आउटर मोस्ट में क्या है? 1 है। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और कौन सा मॉलिक्यूल हमारा बनेगा? यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा इनकी बाउंडिंग के बाद, वो हो जाएगा NaCl। NaCl हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? ये है मॉलिक्यूल। NaCl क्या है? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, राइट? तो ये हमारे हो गए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हमने स्टूडेंट्स एटम के बारे में डिस्कस कर लिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में इसको समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट बच्चों? अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये चारों जो टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? एटम्स और क्या मैंने बताया अभी आपको, मॉलिक्यूल्स, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब एलिमेंट्स समझ लो क्या होते हैं। एलिमेंट्स, अभी जब मैंने बात करी, किसकी बात करी मैंने? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पे अब ध्यान देंगे, ठीक है? जब हमने, जहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा रही थी आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है? तो मैं ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कैसे बने थे? सेम तरह के जो एटम थे, जैसे दो एटम जुड़े तो उन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्या होगा जब ये ज्वाइन करेंगे, सेम काइंड्स ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स, जो किससे बने हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से। अब वो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे मीन्स एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वेन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो सेम काइंड ऑफ एटम के बने हुए हैं वो आपस में जुड़ेंगे, तो वो क्या बना लेंगे? वो एलिमेंट्स बना लेंगे। मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं H2, 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 और ये जब सब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे एलिमेंट, ये बना लेंगे एलिमेंट। आई होप आई एम क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। फिर से मेरी बात को समझिए कि मैंने कहा जब सेम काइंड ऑफ एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने हैं वो जब साथ में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं? वो एलिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, तो यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत सारे, अब देखिए मैंने यहाँ क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स सब एक साथ कलेक्ट हो गए तो इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बनाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है? हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है? ये आपका एक एलिमेंट है, राइट? पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है? एलिमेंट है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बने हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हमारे एलिमेंट्स बनाते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम बताएंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट? एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। तो अब कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? फिर से दोबारा मॉलिक्यूल्स वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके ऊपर चलेंगे। उसमें जो दूसरा वाला भाग था जो कि बना रहा था
होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब क्या होगा जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में हमने इससे पहले क्या बनाया था, NaCl बनाया था। अभी जो हमने पढ़ा है कि सोडियम और क्लोरीन मिले तो उन्होंने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल। अब ये बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कंपाउंड है, मतलब NaCl, बहुत सारे NaCl, ठीक है, NaCl, 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 जब ये बहुत सारे NaCl हो जाएंगे तो ये कलेक्टिवली क्या बना लेते हैं, ये बना लेंगे आपका सॉल्ट। और सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक कंपाउंड है, राइट। सोडियम क्लोराइड जब एक सॉल्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हम कंपाउंड, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। जब ये सॉल्ट बनाएगा सोडियम क्लोराइड तो वो क्या है, हमारा कंपाउंड। सो आई होप चिल्ड्रेन कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या है, तो अब हमने जब ये पढ़ा इससे पहले तो उसकी सबसे छोटी यूनिट एटम ही तो होगी ना, एटम से छोटा तो कुछ है ही नहीं। और एटम ही क्या कर रहे हैं कि मिल के क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि सेम तरह के होंगे तो उनको ये कहेंगे, और अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम होंगे तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे, राइट। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, छोटा सा बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एटम की जो डिस्कवरी है, एटम की जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो जो साइंटिस्ट उस डिस्कवरी में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली, क्योंकि ये स्टार्टिंग है केमिस्ट्री की एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझ जाओगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल टू स्टडी फर्दर इन द सेम सब्जेक्ट, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। नथिंग एल्स, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।